हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त मिराज। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको आज बताने वाला हूँ लाइनिंग वाला कुर्ता बनाने का बहुत आसान तरीका, जो सेमी स्टिच होते हैं उनको कैसे बनाते हैं। तो गैज, ये आप कुर्ता देख रहे हैं, मैंने इसको पूरा कटिंग कर लिया है खोल के, तो मैं अब इसकी स्टिचिंग करने जा रहा हूँ। और अगर कटिंग की वीडियो देखनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो गैस शुरू करते हैं वीडियो। ये हमारी बाजू है और ये हमारी बॉडी है, ये हमारा जैसे बैक है और ये हमारा फ्रंट है। इसमें गैस कॉलर वाला गला बना हुआ था, तो जिसको हमने काट के गोल गला किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हमारी कुर्ता पट्टी थी, ये कुर्ता पट्टी थी जिसको हमने काट के गोल गले में कन्वर्ट कर दिया है, और ये हमने सेंटर मैच करके कटिंग किया है। तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। गैस हमने गले की पेस्टिंग पहले ही कर ली है, ये हमारे गले हैं। तो गैस शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं ये सारा साइड कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको कच्चा करके दिखाता हूँ। तो लाइनिंग को मैं नीचे से फोल्ड कर ले रहा हूँ और कच्चा कर रहा हूँ। शुरू करते हैं वीडियो को। तो गैस जैसे कि मेरा फ्रंट है, मैं फ्रंट कच्चा करके दिखाता हूँ। और ये चीज़ आप पहले ही फोल्ड कर लें, क्योंकि नीचे से आप एक साथ कच्चा करेंगे, इसको अटैच कर देंगे तो झोल आएगा, इसे आप अलग ही रखें। अगर आप बिगनर्स हैं, बिल्कुल आपने नया नया स्टार्ट किया है सिलना, तो आप पहले सेंटर में कच्चा ज़रूर कर लें, ताकि सेंटर इधर उधर ना भागे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा सेंटर है और ये इसका मेन का सेंटर है। तो आप सेंटर में पहले कच्चा कर लें, ताकि आपको जो है साइड को सिलने में आसानी रहे। जैसे कि मैंने फिक्स कटिंग कर रखा है, तो मैं साइड को मैच करके आपस में सिल दूंगा। जैसे कि ये चटका है चाक का, और यहाँ इसमें कहाँ तक लाइनिंग आ रही है, मैं यहाँ से मैचिंग लूंगा और मैं बिल्कुल इसको मैच करके कच्चा कर दूंगा ऐसे। जैसे कि दोस्तों हमारा कच्चा हो गया है, अब मैं डॉट के लिए और कच्चा कर ले रहा हूँ। तो ये जो डॉट के निशान है, मैं डॉट के निशान से डॉट के निशान तक कच्चा कर लूंगा। इसको मैंने मोड़ लिया है, अब मैं इसको किनारे से छाट दूंगा। गैस पाइपिंग बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड करके अंदर पैक करना है, और ये आपने कपड़ा लगा देना है मशीन में। अब ये क्या होगा कि मैंने बोर्ड को हल्का सा इधर खिसका दिया है, तब क्या होगा कि एक तरफ पाइपिंग चलती जाएगी और इधर कपड़ा आता जाएगा। और यहाँ पे आप सिंगल बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। गैस ये देखिए, ये दोनों सिंगल बोर्ड हैं। ठीक है, ये आपका एक साइड का है, ये दूसरी साइड का है। तो अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपको बनाना नहीं आता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप सटा के चलाएंगे तो चल जाएगा। मैं ऐसे इसी तरीके से बना लेता हूँ, तो मुझे वो ठीक है, ये हमारे कारीगर वगैरह यूज़ करते हैं, तो मैं आपको इसी में करके दिखाऊंगा। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इसको यूज़ करें। मैं इसे एक पैर के मार्जिन से कटिंग कर लूँगा। अब इस पाइपिंग को गैस या तो आपने क्या करना है, गले में लगाना है या फिर बॉडी में लगाना है, किसी भी एक चीज़ में लगा लेना है। तो हमारे गले भी सेम कटे हुए, तो मैं पहले गले में ही लगा लूँगा इन पाइपिंग को। अब इस गले के पट्टी को हमें फ्रेंड्स कपड़े के में मेन में चिपका लेना है, और आप देखें कितनी आसानी से मैं बना दूंगा। ये हमने सेंटर मैच किया, सेंटर मैच करके ये हम ऐसे जाएंगे ये, और हम इस पर सिलाई लगा देंगे। जो हमने पाइपिंग लगाई थी, जो पाइपिंग की सिलाई थी, हम उसी सिलाई पे सिलाई चला देंगे।
इसे एक हल्का सा छाट भी लेंगे ताकि हमारा गला अच्छे से बैठ जाए। जब आप पाइपिंग लगाते हैं तब आपने क्या करना है कि एक सूत से ही कटिंग कर देना है, तो उसमें क्या होगा कि आपको अंदर साइड से चटका लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए बड़े आराम से बैठ रहा। और बाई चांस अगर आप मार्जिन ज़्यादा ले रहे हैं, ये देखिए बड़े आराम से बिना कुछ करे बैठ गया। अगर आप मार्जिन ज़्यादा ले रहे हैं तो उस केस में क्या करना है कि आपने अंदर साइड में ना हल्के हल्के चटके लगा देने, तो उससे गला बैठ जाएगा। तो बैक गला हमारा बन गया है। अब मैं फ्रंट गले को फाइनल कर ले रहा हूँ। ये सेंटर में हमें रखना है ऐसे, और सेंटर से हमें स्टार्ट करना है गला। ये हमारा गला सही है। अब हमें सिलाई लगा देनी है मैच करके। मार्जिन में इसका भी छाट दूंगा ताकि हमारा गला आसानी से और अच्छे से बैठ जाए। तो गला हमारा बन चुका है। अभी आप देखें, हमने मार्जिन बिल्कुल एक सूत का दिया है, उससे क्या होगा कि हमारे गले की फिनिशिंग बिल्कुल सही आ रही है। तो अगर आप प्रॉपर मार्जिन ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपने मार्जिन कम ही देना है अंदर, ताकि आपका गला बिल्कुल अच्छे से बैठे। ये देखिए अब इसे मैं हल्का सा प्रेस कर ले रहा हूँ गलों में। गाइस ये हमारा फ्रंट गला है जो कि मैंने प्रेस कर लिया है, और ये मेरा बैक है, आप देख सकते हैं। अब मैं इन्हें फाइनल कर लूँगा। मैं बाजू में भी पाइपिंग लगा ले रहा हूँ। दोस्तों मैं पाइपिंग लगा रहा हूँ और इसे मैं अंडरग्राउंड कर दूंगा। तो अंडरग्राउंड करने का तरीका जो होता है घूम पाइपिंग लगाने का, वो मैं बता दूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं गैस, हमारी पाइपिंग यहाँ लगी और हमारी लेंथ यहाँ है। तो मैंने यहाँ पे पाइपिंग इसलिए लगाई है ताकि मैं इस पाइपिंग के मार्जिन को टोटल में अंडरग्राउंड कर दूँ। तो जैसे कि मेरी पाइपिंग लग गई है, अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर दूंगा। ये देखिए हमारी पाइपिंग पूरी फिनिशिंग वाली हो गई है। हमारा ये कपड़ा भी ब्लॉक हो जाएगा और पाइपिंग भी लग जाएगी, फिनिशिंग भी आ जाएगी। ये देखिए ये हमारी ऐसे, ये हमारी सीधे साइड है और ये हमारी अंदर साइड है, टोटली फिनिश हो गया है। हमारा पाइपिंग का काम सारा खत्म हो गया है। अब मैं जो है पीस को फाइनल कर दे रहा हूँ। मैं पहले साइड लगा ले रहा हूँ। साइड लगाने का ये है कि हमें चटके से चटका मिलाना है और साइड पे सिलाई लगानी है, और मैं साइड मैच करके सिलाई लगाऊंगा। दोस्तों फिटिंग की सिलाई लग गई है। अब मैं डॉट डाल दूंगा। डॉट डालने का जो तरीका, मैंने पहले सिलाई लगा रखी है, क्योंकि अब मैं अगर ऐसे पकड़ता तो हमारे दोनों कपड़े मैच नहीं करते। अब मैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाऊंगा। तो यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है, ठीक है। टाके लगाने के बाद ये हमारी कमर है, कमर के सामने हमें ज़्यादा करना है। ये ऐसे बढ़ा के लानी है, फिर यहाँ से घटानी है। तो ऐसे करके अपने ऐसे लाना है धीरे धीरे, और ये ऐसे घटा देना है। इसी तरीके से मैं दूसरे साइड भी सिलाई लगा लूंगा। ये देख सकते हैं आप, मैं स्मूथली ले गया और स्मूथली उतार दिए। कच्चा करने के लिए हमारे पास ये नॉर्मल इतना मार्जिन होता है, जो हमारा साइड का मार्जिन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसे साइड में इतना चौड़ा फोल्ड आ रहा है, तो आपने इतना ही चौड़ा नीचे से फोल्ड लाना है। एक बार ऐसे फोल्ड करना है और एक बार और ऐसे फोल्ड कर देना है। उसके बाद आपने लाइनिंग से थोड़ा सा पहले रोक देना है, और ये आपने क्या करना है, ऐसे पकड़ना है ऐसे, और अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ऐसे फोल्ड करना है ऐसे। ये आपने फोल्ड किया और इसी को आपने पकड़ के ऐसे सेट कर देना है। देखिए बड़े आराम से हमारा पूरा पीस सीधा हो गया है। मैं कच्चा कर दे रहा हूँ। गैस इसी तरीके से मैं इधर भी करूँगा। तो
इधर मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूंगा पहले ही, क्योंकि ज्यादा लंबा हो रहा है। अब यहाँ में मिल गया इतनी सिलाई, अब दोबारा आप पकड़ के ऐसे कर दें। अब यहाँ से हमें सीधा मिल गया, अब मैं सिलाई लगा दे रहा हूँ। उसके साथ साथ आपने चेक भी कर लेना है। मान लीजिए हमने सिलाई लगा दी है और इसको ऐसे करके हमने ऐसे मैच कर लेना है कि हमारे पल्ले बराबर हैं या कम ज़्यादा हैं। तो जैसे कि हमारे पल्ले बराबर ही हैं, मैं इधर से भी कच्चा कर ले रहा हूँ। मान लीजिए हमारा लेंथ का निशान है ये। अब हमें क्या करना है, इस चाक को इस चाक में ऐसे मैच करना है, और उसके बाद क्या करना है, यहां से हमें एक निशान उठाना है ये। अब हमारा इसी से फोल्ड हो जाएगा, और उसके बाद क्या करना है, ये फुल मार्जिन देना है। कोशिश ये करना है कि ऐसे फुल मार्जिन दें। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पे पकड़ना है ऐसे, जो आपने काम वहाँ पे किया था वही काम आपने यहाँ पे करना है, फुल भराओ और ऐसे उतने ही चौड़ा फोल्ड कर देना है, और ऐसे खींच के सेट कर लेना है पूरे पीस को, ताकि हमारा घेरा पूरा सीधा फोल्ड हो। ये देखिए, और मैं ऐसे ही कच्चा कर दूंगा। और अगर आपका ये घेरा लंबा है तो आपने क्या करना है, ऐसे पकड़ना है, देन आपने यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पकड़ लेना है और सिलाई लगा देनी है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, बाकी की सिलाई लगा देनी है। गाइस, हमारा पीस कच्चा हो गया है। अब हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे। जैसे कि ये देखें, ये हमारे चाक की लंबाई बराबर आ रही है और घेरे के पल्ले हमारे दोनों बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, ठीक है। और इधर का भी मैं चेक करूंगा, तो इधर का भी बराबर आ रहा है। अब हमारा घेरा नीचे से रेडी है, मैं डॉट डल चुके हैं, मैं कंधी भी जोड़ दे रहा हूँ इसकी। कंधी से पहले मैं इसकी बाजू के भी मैं कच्चे कर ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा चाल बड़ा कच्चा सेट है। मैं इसकी बाजू कच्ची कर ले रहा हूँ पहले। अब मैं बाजू की फिटिंग लगा दे रहा हूँ, चटके पे मैच करके सिलाई लगा दे रहा हूँ सीधी। गैस, हमारी एक बाजू रेडी है, अब मैं दूसरी बाजू रेडी कर ले रहा हूँ। मैं ओवरलॉक कर ले रहा हूँ। तो बाजू चढ़ाने का जो तरीका है, मेरी बॉडी रेडी है, मेरी बाजू रेडी है, ये मैंने स्टेप पट्टी पहले ही बना ली है, ताकि मैं जब बाजू चढ़ाऊंगा तो बाजू चढ़ाते टाइम मुझे उसी में मैं दबा दूंगा, मुझे एक और सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी। तो मैं जैसे कि ये आप देखें, ये आला छटा हुआ है, ये ऊपर में आला छटा हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारे साइड की बाजू है। तो मैं इस बाजू को सीधा कर लूंगा, और सीधा करने से पहले मैं आपको एक बात दिखा दे रहा हूँ कि आपका जो आर्मोल है, ये आप पहले ही चेक कर लें। ये देखिए, मेरा आर्मोल बिल्कुल ठीक आ रहा है मेरी कटिंग के हिसाब से। मैंने अभी तक नहीं नापा था, मैंने अभी जस्ट नापा है, तो कटिंग के हिसाब से मेरा आर्मोल ठीक आ रहा है। तो आप चढ़ाने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। अब मैं बाजू आपको चढ़ा के दिखा रहा हूँ। का ज्वाइंट बाजू की जो सिलाई है उसको एक पैर आगे की ओर रखना है, ऐसे आप देख पा रहे होंगे, और मार्जिन हमारा पीछे साइड जाएगा, और मैं इसे सिल दूंगा। तो जो चटका है ये बिल्कुल हमारा इस पर मैच करना चाहिए, और बॉडी हमारी ऊपर होनी चाहिए, बाजू नीचे होनी चाहिए, और हमें बॉडी हल्की खींच के रखनी चाहिए। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा बिल्कुल चटका मैच कर रहा है, तो मैं ऐसे सिलाई लगा ले रहा हूँ। अब जब मैं यहाँ पे आऊँगा, तो जब मैंने ये मैच कर दिया है, मैच करते के साथ ही मैं ये स्टेप पट्टी मेरी है बनी हुई पहले से, मैं इसे भी ऐसे रख दूंगा। अब मैं ऐसे आगे की साइड में सिलाई लगा लूंगा, हल्का बॉडी खींच के रखें। अब मुझे एक सिलाई और लगानी है, वो इसलिए लगानी है क्योंकि ये लाइनिंग है, और ये हमारा यहाँ पे खींच देंगे तो टूटेगा, जैसे कि ये देखिए।
हमारी एक बाजू चढ़ गई है, आप देख सकते हैं बाजू की फिनिशिंग। ये हमने चटका एक पैर आगे किया हुआ है और ये आप देखें तो हमारी बाजू बिल्कुल सही मैच सही से बैठ रही है। ये आप देखें इधर से भी बिना प्रेस करे ये, और हमारी बाजू बिल्कुल सही बैठ रही है। अब मैं दूसरी बाजू छुड़ा ले रहा हूँ। तो हमारा फ्रंट ये है, बैक ये है, तो मैं फ्रंट साइड में एक पैर आगे रखूँगा ऐसे, तो मैं मार्जिन बैक साइड में सेट कर दे रहा हूँ। पहले हम बाजू का सेट करेंगे, बाजू का सेट करने के बाद हम ये बॉडी का ऐसे करके ऐसे मोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम ऐसे पतला करके सेट कर लेंगे। कंधे के चटके आप ज़रूर से मैच करके ही चलें, क्योंकि अगर कंधे के चटके अगर अनमैच हुए तो आपका कंधा इधर उधर भाग सकता है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने ओवरलॉक कर लिया है, ओवरलॉक भी आप सीधा ही करें। ये आप देख सकते हैं मैंने ओवरलॉक दोनों में सीधा किया हुआ है, और ये हमारी तुरपाई में फिनिश हो जाएंगी। और चाक में मैंने पट्टी नहीं लगा रखी है, तो चाक में हमारे यहाँ आई बनती है। और अगर आपको चाक पे पट्टी लगाने का तरीका पता करना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा चाक में पट्टी कैसे लगाते हैं। तो ये हमारे अंदर की फिनिशिंग है, देख सकते हैं आप पूरा फिनिश्ड है। और मैं आपको एक बार सीधे सीधा करके दिखाता हूँ। हमारी बाजू है अभी बिना प्रेस करे ही हमारी बाजू ऑलमोस्ट सेट है। ये देखिए गला भी सेट है, ये हमारी डॉट है और ये हमारा फिटिंग है। फिटिंग के लिए हल्का सा सेट करना पड़ेगा, ये अभी हमारा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है। तो ये हमारा फाइनल कुर्ता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो में अगर आपको कुछ नॉलेजेबल लगा है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।